ये हमारे दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हमारी कर्मचारी है जिसमें अभी प्रमुखता हेमलता बेरवा जी है, हेमलता बेरवा जी के अलावा पूजा बुनकर जी है, मुकेश वर्मा जी है, अन्य हमारे जो कर्मचारी है, इनको सिर्फ एक जाति विशेष का होने के कारण ही जाति सूचक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा और इन लोगों को अभी अपने कार्य स्थल से सस्पेंड कर दिया गया है। और हमारी मांग है बीजेपी सरकार से कि हमारे जो अन्य कर्मचारी हो रहे हैं उन लोगों के साथ में भी इस प्रकार की घटनाएं आए दिन होती जा रही है। जो मुकदमे हमारे द्वारा अन्य लोगों पे किए जा रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करी जा रही है, बल्कि इनके खिलाफ कार्यवाही करके दुष्प्रेरणा से प्रेरित होकर कार्यवाही करके और बहन हेमलता बेरवा, पूजा बिनकर, मुकेश वर्मा और अभी अन्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। यहीं अभी हाल ही में एक और मामला देखने को आया, झाड़ली के अंदर भी इसी प्रकार की मानसिक प्रताड़ना से आहत होकर ललित कुमार जो वीडियो है उन्होंने अभी आत्महत्या करी है, जिसमें 9 पेज का उन्होंने सुसाइड पेज भी लिखा है। उस 9 पेज के सुसाइड नोट के अंदर उन्होंने नामजद 7 लोगों का नाम लिखा है, लेकिन आज करीब 15 दिवस से ज्यादा गुजरने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने मात्र 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार करके इतिश्री कर ली है, उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ तक कि अभी तक उनको मिलने वाले किसी प्रकार का कंपनसेशन भी नहीं दिया गया है, किसी प्रकार की न्याय दी नहीं गई है। इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है और दिनों दिन प्रतिदिन रहा अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। और इसलिए हम आज हमारी विशेष तौर पे यह मांग है कि या तो ये सरकार जाग जाए वरना हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हमने पूर्व में भी आंदोलन किया था, उस आंदोलन के बारे में जग जाहिर है कि वो बहुत बड़ा आंदोलन रहा है और हम नहीं चाहते बीजेपी गवर्नमेंट हमें मजबूर करे इस प्रकार का आंदोलन करने को। हमारी यही एक निवेदन है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर बहन हेमलता बेरवा, पूजा बुनकर, मुकेश वर्मा, इन लोगों को वापस बहाल करा जाए और इनके खिलाफ जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम राजेश बुनकर है और मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रवक्ता भी हूँ, RLP से जिला प्रवक्ता भी हूँ। देखिए, दलित समाज के साथ में ऐसा आप लोग देखते आए हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है। ललित कुमार की जहाँ बात आती है, मैं उसके घर पे भी गया था, देख करके आया था और उसकी 3 बहनें हैं। हमने एक समाज का जो कोई नूर है उसको खोया है। देखिए, करीब UPSC में उसने 2 बार फाइट की है और वहीं IIT कानपुर से भी उसने, मतलब एक अच्छा हमारा एक शिक्षित लड़का था, उसने सिर्फ और सिर्फ उन घूसखोरों के खिलाफ में आवाज़ उठाई और उस आवाज़ उठाने के बाद में उसने FIR दर्ज करवाई और FIR दर्ज कराने के बाद में लोगों ने इतना प्रताड़ित करा कि पूरी रात भर वो कुछ लिखता रहा, 9 पन्नों का करीब सुसाइड नोट लिखा, 7 लोगों के खिलाफ उसने नामजद वो लिखा है। और उसके बाद में भी क्या हुआ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, बड़े बड़े लोग हैं एक कॉल में आप राजस्थान में जबरदस्ती शटर डाउन करने का काम करते हैं। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ न्याय और न्याय के लिए, सिर्फ जो कहते हैं ना कि संविधान को मानते हुए कम से कम अपनी जो हक अधिकार है उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ भी कोई नहीं सुन रहा। लेकिन आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि हमने वो 2 अप्रैल भी दोहराई है जहां पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन हमने करके दिया है। आप लोग अगर समय पर जाग जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसा ही कोई आंदोलन फिर से होगा और उसके लिए ये राजस्थान सरकार और ये जो भारत सरकार है वो जिम्मेदार होगी उसकी। बहुत बहुत पूर्व राजेश जी और अशोक जी ने बताया, मैं मीडिया के माध्यम से एक निवेदन कर देना चाहता हूँ, लोगों को बता देना चाहता हूँ, वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है वो असंवैधानिक काम कर रही है। भारत के इतिहास में हेमलता का बैरवा का एक मैटर ऐसा है जो एक तरह से तुगलकी फरमान की तरह है। भारत के इतिहास में किसी भी सरकारी कर्मचारी को सार्वजनिक मंच पर तुगलकी फरमान के द्वारा, एक मंत्री के द्वारा सस्पेंशन का ऑर्डर किया गया है, जबकि आज तक कभी भी नहीं किया गया, क्योंकि एक मंत्री को प्रशासनिक पावर्स नहीं है, और अगर प्रशासनिक पावर भी है तो एक महिला के खिलाफ सार्वजनिक आम पैलेस के अंदर, आम मीटिंग के अंदर इस तरह प्रकार के आदेश देना गैर संवैधानिक है। दूसरी बात यह है, हेमलता के अगर आपने सस्पेंशन ऑर्डर को देखा होगा तो उसके अंदर गैर संवैधानिक आदेश है। उसमें यह है
किसी भी कर्मचारी को सस्पेंशन करने से पहले उसको चार्ज दिया जाता है, चार्ज के लिए पहले उसको नोटिस दिया जाता है, उसको सुनवाई का अवसर दिया जाता है। लेकिन हेमनता को न तो कोई नोटिस दिया गया, न कोई उसको सुनवाई का अवसर दिया गया, और न ये बताया गया कि हेमलता ने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया है। उस आदेश के अंदर ऐसा लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से परे जाकर गैर संवैधानिक आदेश प्रदान कर रही है। हमारी मांग है कि इस तरह के गैर संवैधानिक आदेशों को वापस लें, और जितने भी हमारे कर्मचारी पूजा वर्मा बुनकर है, मुकेश वर्मा है, और हेमलता है, हेमराज है, उसके खिलाफ जो भी प्रोसीडिंग की है वो इलीगल है, गैर संवैधानिक है, उनको समाप्त करके पुनः सेवा से बहाल किया जाए। मैं बाबूलाल।